इसको जरा ध्यान से पढ़िए, पहले इसके विषय वस्तु को समझिएगा। पहला सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? आइडिया सेंटेंस। हाँ, पहला सेंटेंस आइडिया सेंटेंस बोलिए, क्योंकि आइडिया देता है। तो इमीडिएट एंड ए स्टेप शुड बी टेकन टू चेक इंक्रीजिंग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। तो इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ जो वातावरण में पॉल्यूशन है, उसको हम लोगों को स्टेप लेना चाहिए चेक करने के लिए। चेक का मतलब क्या होता है? रोकना, रोकने के लिए। फास्ट इंक्रीजिंग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। तो पहला में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए जरा, है ना? ये इसमें चार ऑप्शन में दो ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट कर दीजिएगा। फॉरवर्ड कोई सेंस नहीं दे रहा है, कॉन्टेक्स्ट में ड्यूरेबल भी नहीं दे रहा है, अर्जेंट और पॉजिटिव में हो सकता है। तो इमीडिएट एंड पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल सही दिमाग लगाया है। इमीडिएट का मतलब तो तत्काल होता है, अर्जेंट भी टाइम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव लिखना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। मतलब तत्काल और सकारात्मक स्टेप लिया जाना चाहिए। पैसिव में है, अपनी बातों को हम दो ही तरह से लिखते हैं। वॉयस का मतलब क्या होता है? वॉयस वो टूल्स है आपके पास, हाँ वॉयस वो टूल्स है जिससे हम अपने बातों को एक्सप्रेस करते हैं। बस इतना ही फर्क है कि हम सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, डूअर में या नॉन डूअर में, बात एक ही है। तो बताइए, इमीडिएट एंड पॉजिटिव स्टेप शुड बी टेकन। यहाँ शुड बी टेकन, यहाँ मोडल्स के जरिए आप राइटर के मन को, उसके एटीट्यूड को समझिए। शुड है मतलब राइटर, राइटर यहाँ कन्विंसिंग राइटिंग कर रहा है। कौन सा राइटिंग? कन्विंसिंग, परसुएसिव, समझा रहा है। समझ रहे हैं ना? जैसे पूछता है ना कैसा राइटिंग है, पॉजिटिव है। मैंने एडजेक्टिव में बताया था ना कि एडजेक्टिव पे मोडल्स पे ध्यान देना है, कि राइटर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, बायस्ड है, अनबायस्ड है, प्रेजुडाइज्ड है, अनप्रेजुडाइज्ड है, डिसइंटरेस्टेड है, बताया था। तो शुड मतलब राइटर कह रहा है, सलाह दे रहा है, उसके मन तक समझिए। अब आगे पढ़िए, दिस है ना, जरूरत जरूरी है तभी तो ये सब लेना चाहिए, तो फैक्ट नहीं होगा। दिस नीड वॉज रियलाइज, इस जरूरत को महसूस किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्ग बैक, बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेप नहीं, यहाँ डायरेक्शन के लिए जो प्रीपोजिशन होता है ना, टूवर्ड्स होता है। जैसे मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ तो डायरेक्शन है ना, आई एम गोइंग टूवर्ड्स फॉरेस्ट। जैसे बोलते हैं टूवर्ड्स, घर की ओर जा रहा हूँ, होमवर्ड्स, आगे की ओर, फॉरवर्ड्स, पीछे की ओर, बैकवर्ड्स, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है? वर्ड्स। तो यहाँ पे डायरेक्शन आगे क्लू दिया हुआ है ना, तो आप लोगों ने बिना कोई हेल्प के, बिना कोई सपोर्ट के आपने तीनों बना दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, 7 और बनाने हैं आपको इस क्लोज टेस्ट के लिए। बनाइए दोस्तों, पढ़िए दो। द सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कोई कमिटी वगैरह है, अथॉरिटी वगैरह है, उसको सेटअप करते हैं, हाँ है ना? तो यहाँ पे सेटअप लगाइएगा। जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कमिटी है, कोई फर्म है, उसके लिए सेटअप लगाना है, सही है ना? मेक लगाते हैं, कोई वस्तु बनाना है ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे चेयर बनाना है, कुर्सी बनाना है, ट्रंक बनाना है, इसके लिए तो सेटअप हो जाएगा, गठित किया गया ना। सेंट्रल गंगा अथॉरिटी वॉज सेटअप ऑन 16th of February 1985। बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे।
अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड इन दिसंबर 1984। सर्वे मतलब होता है सर्वेक्षण। देयर आर एज मेनी एज 4159 लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच आर कॉन्स्टेंटली डिस्चार्जिंग इंडस्ट्रियल। गंगा में क्या डाल रहा है? बिल्कुल सही है, ये भी आपने सब बना दिया। चलिए चार और बनाइए इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कोशिश है आप लोगों का। इसका मतलब आपके पास माइंड हेल्दी है, बस थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया माइंड है, पढ़ाते हैं लेकिन समझ भी आप बहुत अच्छा रहे ना, ये खुशी की बात है। बताइए सिमिलरली स्टेप्स है। सिमिलरली मतलब क्या होता है? उसी प्रकार से। और यहाँ देखिए टेंस लिखा हुआ है। टेंस क्या बताता है? फैक्ट्स। और मोडल्स क्या बताता है? इंटेंशन, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट है, फैक्ट्स हैं। स्टेप्स हैव आल्सो बीन लॉन्च्ड, मतलब उसी तरह से कुछ और स्टेप्स मतलब लिया जा चुका है, यही होगा ना, लिया जा चुका है फॉर अदर पॉल्यूटेड रिवर्स ऑफ द कंट्री। सिमिलरली उसी प्रकार वन महोत्सव प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च। उसी प्रकार मतलब उसी तरह से कुछ बेनिफिट के लिए, कुछ बेटरमेंट के लिए वन महोत्सव प्रोग्राम लॉन्च टू। अब टू लगा है तो आगे भर भी होगा, फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल, ट्री को प्लांट ही करेंगे ना। बिल्कुल सही है, वन महोत्सव प्रोग्राम इसलिए किया गया है कि प्लांटेशन को प्रमोट किया जाए। प्लांट मोर ट्रीज। और बिल्कुल उपाय, और उपाय किए गए हैं। मेजर्स आर ऑल्सो बींग टेकन टू। नहीं, ऊपर में क्या लिखा था? चेक लिखा था ना। तो क्लोज टेस्ट में अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है ना, तो अगर वही ऑप्शन में तो उसको उठाना है। चेक मतलब रोकना होता है, स्टॉप मतलब ही रोकना होता है, लेकिन इसको करिएगा चेक एयर पॉल्यूशन। ऊपर में भी था लिखा हुआ चेक एक बार। द साइंटिस्ट कैनॉट डू एनीथिंग टू चेक नॉइज पॉल्यूशन एक्सेप्ट मेकिंग एन अपील टू द पीपल टू फाइट इट। अब यहाँ ईडियम का यूज हुआ है, देखिए एंड नेल। हाँ अरे बताइए क्या होगा? टूथ एंड नेल हो जाएगा। देखिए बिना ऑप्शन के आप लोग बता दिए, ऐसे ही दिमाग चलता है। आगे के लिए आप पहले से ही सोच लेते हैं, अगर आप विषय वस्तु से कनेक्टेड है ना तब। चलिए अगला क्लोज टेस्ट, 10 में 10 आपने बनाया है, इसमें मेरा कोई हेल्प नहीं था, आपने खुद बनाया है। तो एक बार फिर से दूसरा क्लोज टेस्ट रखें। चलिए बताइए दोस्तों, वन ऑफ द, अगर ऑफ के पहले जब भी संख्या लिखा हुआ है, याद रखिए वन के पहले, ऑफ के पहले। ऑफ कई काम है ना, एक कॉज भी बताता है, सोर्स भी बताता है, सिलेक्शन भी बताता है, चॉइस भी बताता है। तो ऑफ के पहले 1, 2, 3, 4, 5 मेनी सेवरल फ्यू संख्या लिखा रहे तो आगे प्लूरल नाउन होता है ना। तो बिल्कुल सही आपने कहा, यही हो सकता है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेस। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिखना है। जो कोटेशन आपको रोज मिलता है ना, उस पे 10 sentences रोज लिखने का प्रयास करिए, धीरे धीरे ऐसे ही। ये जो प्रोसेस है ना, जैसे आप लोग एम्ब्रॉयडरी बनाती है ना लड़कियां, स्टिच बाय स्टिच, उसी प्रकार आपका ग्रोथ जो होता है ना, स्टिच बाय स्टिच होता है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि अचानक इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी यू विल हैव अ ग्रेट एबिलिटी और ग्रेट स्किल्स। यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स। एक कोटेशन मिलता है, यू शुड ट्राई टू राइट नॉट मच देन एटलीस्ट 4-5 sentences ऑन द कोटेशन।
बहुत जल्दी जल्दी नहीं लिखना है, आराम से सोचिए और मीनिंगफुल। आप कम बोलें लेकिन अच्छी बातें बोलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते थे अटल बिहारी वाजपेयी कम बोलते थे लेकिन जब बोलते थे तो उनमें वजन होता था। तो वैसे ही आपको ना मतलब ऐसी बातें बोलना है, भले ही आपका आवाज धीमा हो लेकिन उसमें लॉजिक और उसमें दम इतना होना चाहिए कि सब लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस का माहौल बना दे, वहाँ आपकी तरफ सबका ध्यान जाए। तो इसके लिए आपके पास तथ्य और लॉजिक दोनों होने जरूरी हैं, सही है। चलिए इसमें बताइए किसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, विषय वस्तु क्या है, बेरोजगारी। हाँ, और पहले वाला जो था वो पॉल्यूशन था, है ना। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेस इज दैट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज हाँ यही तो है, यही समझना है। अ ह्यूमन प्रॉब्लम विच वी कैन नॉट गेट इन लुकिंग। हाँ चलिए सेकेंड में बताइए, इग्नोर मतलब भी नज़रअंदाज करना होता है, अवॉइड मतलब भी होता है, और ओवरलुक का मतलब भी होता है ना। हाँ तो देखो अवॉइड का मतलब हम तब यूज करेंगे, जैसे आप सोचिए फील करिएगा। हाँ जैसे कोई आदमी को आप पसंद नहीं करते या कोई ऐसी चीज जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो आप क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। मतलब जो चीज कोई व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए होता है जो आपके पसंद का नहीं है तो उसको आप अवॉइड करते हैं, सही है कि नहीं। गलत इंटेंशन से जानबूझ के डेलिबरेटली उस सामने वाले को ही पता है और आपको भी पता है कि आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तब वहां पे हम करते हैं इग्नोर। जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, जिसको भी करेंगे उसको भी पता होना चाहिए वह मुझे इग्नोर कर दिया, मतलब जिसको इग्नोर किया उसको पता है ना। और तेल खाने के लिए डॉक्टर ने मुझे मना किया है, ये आपके हित में नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ना। और पार्टी में मेरे पुराना दोस्त मुझे अवॉइड किया कि इग्नोर किया, इग्नोर किया, मतलब जब इग्नोर किया तो मुझे भी ये बात पता है ना। हाँ और कोई इम्पॉर्टेंट चीज है जिस पे ध्यान देना है उसके लिए हम ओवरलुक का प्रयोग करेंगे, सही है, एकदम सही बताया था। ओ नहीं मतलब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसको, जैसे इसी को अगर ओवरलुक की जगह लुक ओवर अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लुक ओवर योर बुक। नहीं, लुक ओवर का मतलब देखना ही होता है, लुक ओवर दिस स्टोरी मतलब देखना, और ओवरलुक मतलब ना देखना। लुक आफ्टर, लुक अप, लुक डाउन, लुक इन, लुक इन टू, ये सारे हमारे फ्रेजल वर्ब हैं जो आएंगे, लुक अराउंड। अब यहाँ पे तीसरा जरा देखिए, अभी देखिए फ्रेजल वर्ब जो आप पढ़ रहे हैं, इडियम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, क्लोज टेस्ट में यूज है कि नहीं उसका। जैसे आपने देखा ना अभी टूथ एंड नेल इडियम फ्रेज आ रहा था, उसी तरह से फ्रेजल वर्ब बहुत सारे यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आ रहे हैं। देखिए तीसरा में एक फ्रेजल वर्ब आया है लुक से, क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट ओवर लुक इट इन लुकिंग लुक इन टू का मतलब तो इन्वेस्टिगेट करना होता है ना। हाँ सही है, नहीं लुक एट नहीं होगा, लुकिंग इन टू इट का मतलब होता है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, जब हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। हाँ लुक इन टू इट, लुकिंग इन टू इट, ये कॉमा ठीक है। लुक इन टू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना होता है, जाँच पड़ताल, जब हम इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये याद रखना चाहिए। हाँ लुक आफ्टर मतलब तो देखभाल करना होता है ना, तो ये होगा नहीं। लुक एट का मतलब होता है देखो कहीं किसी जगह पे, लुक ऑन का कोई मतलब यहाँ है नहीं। तो दैट मियरली मतलब होता है ओनली, मतलब जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सिर्फ गिविंग सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डज नॉट अल्टीमेटली इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट।
मतलब कुछ तरह के ऑक्यूपेशन में अगर कुछ एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा रोजगार अगर आप देते हैं, तो मेयरली गिविंग सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डज नॉट अल्टीमेटली इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। मतलब कुछ ही ऑक्यूपेशन में, यानी बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं, उसमें कुछ ऑक्यूपेशन इसमें इंटू आएगा इन्वेस्टिगेट करना। हाँ, लुक इन इंटू इट, ये ध्यान रखना है कि कुछ ही ऑक्यूपेशन में अगर बहुत सारे लोगों को अगर आप रोजगार देते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर देगा या कम कर देगा। क्या हुआ इसका मतलब? इट हैज टू बी रिमेम्बर दैट मेयरली गिविंग सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डज नॉट अल्टीमेटली इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट और लिजेन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कुछ ही ऑक्यूपेशन में बहुत सारे लोगों को अगर रोजगार देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट इससे घट जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कम्स बाई न्यूअर एंड मोर इफेक्टिव मीन्स। मीन्स मीन्स का मतलब क्या होता है? साधन। एम्प्लॉयमेंट जो आता है नए नए तरीके से और प्रभावशाली साधनों से वेल्थ प्रोडक्शन का, जिससे फोर्थ में हम आ रहे हैं, द होल एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 200 ईयर्स शोज दैट इट कम्स, क्या हो जाएगा? इट कम्स फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल मेथड्स या इट कम्स थ्रू द ग्रोथ ऑफ, यहाँ पे फ्रॉम लिखिएगा, इट कम्स फ्रॉम कहाँ से प्राप्त होगा? इट कम्स फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजिकल मेथड्स। यानी कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट को सही करना चाहते हैं, तो आपको नए नए तरीके खोजना होगा, इफेक्टिव तरीका खोजना होगा, और टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के बगैर नहीं कर सकते आज के डेट में। सही है, बढ़िया। इसको देखिए, डू नॉट, देखिए तो डू नॉट इमेजिन दैट वी कैन इफेक्टिवली डील, यहाँ पे भी देखो फ्रेजल वर्ब आ रहा है, डील डील विद होगा या डील इन होगा। डू नॉट इमेजिन दैट वी कैन इफेक्टिवली, हाँ बहुत बढ़िया, डील के साथ इन लगाते हैं ना, तो डील इन क्लॉथ, डील इन किरोसिन ऑयल, डील इन पेट्रोल मशीनरी। हाँ, डील विद होता है प्रॉब्लम के लिए और डील विद होता है पर्सन के लिए, हाँ दोनों के लिए, तो डील विद हो जाएगा, प्रॉब्लम है ना, आगे आगे वाला देखिए वर्ड। तो डू नॉट इमेजिन, आप ऐसा इमेजिन मत करिए कि हम लोग बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रॉब्लम से निपट लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के, विदाउट क्या हो जाएगा, सिक्स में टेक्नोलॉजी का बात हो रहा था, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्निकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल टेम्पर, टेक्निकल टेम्पर, तो टेक्नोलॉजिकल मेथड, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ना, टेक्निकल होता है कुछ स्पेसिफिक चीज में, टेक्नोलॉजिकल मतलब संपूर्णता के साथ, तो ये लगाइएगा टेक्नोलॉजिकल विदाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ग्रोथ लिखा हुआ था ना वहां, एवरी कंट्री, प्रत्येक तेज जो ये दावा करता है, डिंग हाँकता है, बोस्ट, बोस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑफ, बोस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ कोई भी अगर डिंग हाँकता है, तो डिंग तो कोई बड़े चीज के लिए होगा ना, कि मेरे यहाँ पूरा एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो इकोनॉमिक टर्म है टोटल लगाते हैं, ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इज अ कंट्री विच इज नॉट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हैज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी देश कहता है कि बिना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के उसने पूरा टोटल एम्प्लॉयमेंट दे रहा है अपने लोगों को, तो गलत कहता है, चाहे तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पे या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता है बिना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के। देयर फोर कंक्लूजन है, देयर फोर इफ इंडिया इज टू एडवांस, अगर भारत को प्रोग्रेस करना है, सी, देखिए यहाँ पे पर्सनिफाइड किया हुआ है, तो कोई भी कंट्री के लिए सी लगाते हैं, सी मस्ट एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत को भी साइंस टेक्नोलॉजी में आगे होना चाहिए, है कि नहीं?
अब पता है भारत बहुत सारा चीज अब घर पे जैसे बनाता है, जैसे पहले आर्म्स एम्युनिशन बाहर से खरीदते थे, बहुत सारी चीजों में इंडिया अब खुद बनाता है और बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे कुछ सबमरीन वगैरह वो भी बना रहा है इंडिया, अपना ही बनाता है और बाहर के लोग खरीदे भी हैं। वी मस्ट एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द फैक्ट इज दैट आवर पॉवर्टी इज, हमारी जो गरीबी है बताइए, यहाँ ड्यू टू होगा कि ओइंग टू होगा? तो ये कंजंक्शन में आप पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे ड्यू टू होगा। अगर यहाँ पे मेन वर्ब अगर एक्शन वर्ब नहीं है ना, इज एम आर वॉज वर है तो ड्यू टू लगाइएगा, ये एडजेक्टिव होता है, और अगर एक्शन वर्ब होगा ना तो ओइंग टू लगाइएगा। सही है, तो यहाँ पे ड्यू टू लगाइएगा। ड्यू टू आवर बैकवर्डनेस इन साइंस, हमारी जो गरीबी है साइंस के क्षेत्र में, हमारा जो पिछड़ापन है इसके वजह से है। सही है दोस्तों, तो क्लोस्टिस बनाने में किन किन चीजों की जरूरत होती है, क्या इस पे आपने विचार किया है? एक तो आपका हाँ वोकेबलरी अच्छा होना चाहिए, इडियम फ्रेजेज फ्रेजल वर्ब ये सब तो अच्छा होना ही चाहिए, प्रीपोजिशन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ग्रामर का, और सबसे अच्छा कि रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल का मतलब जो पढ़े वो समझे, ग्रैब करें, रिटेन करें, एक्सप्रेस करें, पहला सेंटेंस से ही पूरा एकदम कंट्रोल में ले लेना है विषय वस्तु को। तो ठीक है इतना कि और बनाना है इतना, और कल कल कर लेंगे, मतलब मंडे को, और कल हम लोग शनिवार को मिलेंगे डाउट क्लास में यूट्यूब पे, ठीक है ना दोस्तों?